उसका नाम है यूनिट्स एंड मैनर्स। ये हमारे क्लास 11th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, और आगे आप जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 11th में या फिर क्लास 12th में, उन सारे चैप्टर्स को पढ़ने के लिए आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन का आना बहुत ही जरूरी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही बेसिक चैप्टर है, और इसमें कुछ बातें ऐसे भी होंगी जो हम ऑलरेडी पिछले के क्लासेस में क्लास 8th में 9th में 10th में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है ना, इसमें हम यूनिट के बारे में पढ़ेंगे और फिर डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो यूनिट के बारे में तो ऑलरेडी थोड़ा मोरा हमें नॉलेज है, ठीक है ना। जैसे कि आप क्लास 9th में थे और आपने फिजिक्स में चैप्टर पढ़ा होगा मोशन, वहाँ पर क्या पढ़ते थे हम, डिस्टेंस पढ़ते थे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ते थे, वेलोसिटी पढ़ते थे, एक्सीलरेशन पढ़ते थे, ठीक है ना। तो वो सब क्या यूनिट होता था, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है ना, एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ उसके बारे में पढ़ेंगे, प्लस एक नया चीज जुड़ जाता है डायमेंशन, ठीक है ना, नया चीज जुड़ जाता है डायमेंशन, उसके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। डायमेंशन वाला जो पार्ट है वो हमने पहले से नहीं पढ़ा कुछ भी, ठीक है ना। फिर जो यूनिट वाला पार्ट है वो हम ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं, जैसे पढ़ रखा है एसआई यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट क्या होता है, एफपीएस यूनिट क्या होता है, ये सब हम ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ने से पहले, ठीक है ना, एक सिंपल सा चीज पढ़ते हैं, वो है फिजिकल क्वांटिटी। वो है फिजिकल क्वांटिटी, कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है ना, आइए उसको समझते हैं। तो ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसको भी हम मेजर कर सकते हैं, ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसको भी हम मेजर कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो जैसा कि डेफिनेशन लिखा हुआ है, क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड बाय विच वेरियस फिजिकल हैपनिंग्स कैन बी एक्सप्लेन्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ लॉस इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, ठीक है ना। ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर उसके द्वारा दुनिया में जो भी इंसिडेंट हो रहा है, जो भी हैपनिंग्स हो रही है, जैसे कि हम मोशन कर रहे हैं, इसमें डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, हम मोशन कर रहे हैं तो हमारा कुछ वेलोसिटी होगा, हमने बाइक का एक्सीलरेटर दबा दिया तो हमारा कुछ एक्सीलरेशन होगा, उन सभी चीज को क्या कर सकते हैं, उन सभी चीज को हम मेजर कर सकते हैं। तो वो सब क्या है, वो सब फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो जिस किसी भी चीज को हम मेजर कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो ऐसा बहुत सारा चीजें जो कि हमने क्लास 8th, 9th एंड 10th में पढ़ा था, फिजिक्स में ही पढ़ा था, केमिस्ट्री में ही पढ़ा था और मैथ्स में ही पढ़ा था, इसको कि हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। मास हो गया, लेंथ हो गया, फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, प्रेशर हो गया, सबको हम मेजर कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। तो अब तुम बोलोगे सर सब कुछ को मेजर कर ही सकते हैं, तो क्या सारा कुछ फिजिकल क्वांटिटी है, अगर हम सभी चीजों को मेजर कर सकते हैं तो क्या सारा कुछ फिजिकल क्वांटिटी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बहुत सारा चीजें जिसको कि हम मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैं तुमसे बोलूं कि आप कितने इमोशनल हो, तो आप क्या बोलते हो, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ, मैं बहुत कम इमोशनल हूँ। आप ये तो नहीं बोलते ना कि मैं 2.5 इमोशनल हूँ, मैं 3.5 इमोशनल हूँ, ठीक है ना। मतलब इमोशनल को हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है ना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, कितना प्यार करता हूँ, हम उसको मेजर नहीं कर सकते। मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ, कितना नफरत करता हूँ, हम उन सब चीजों को मेजर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो लव हो गया, हेट हो गया, इमोशन हो गया, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, क्योंकि उनको हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो जिस किसी भी चीज को हम मेजर कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है ना। बहुत सारा ऐसा चीज है जिसको कि हम मेजर नहीं भी कर सकते हैं, एग्जाम्पल लव हो गया, हेट हो गया, इमोशन हो गया, मतलब कोई भी फीलिंग्स होते हैं, जो हमारा फीलिंग होता है उसको हम मेजर नहीं कर सकते, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, मान लो कि मास एक फिजिकल क्वांटिटी, मान लो कि मास एक फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और किसी ने मुझसे पूछा कि आपका मास कितना है, ठीक है ना, मास मान लो कि मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, और किसी ने मुझसे पूछा कि आपका मास कितना है, ठीक है, मुझसे पूछा गया कि आपका मास कितना है, और मैं सिंपली बोल दूं कि मेरा मास 50, मैंने सिंपली बोल दिया कि मेरा मास कितना है, मेरा मास 50 है, तो क्या सामने वाले को पूरा इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगा कि मेरा मास कितना है, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने जो स्टेटमेंट दिया कि मेरा मास 50 है उसमें कुछ मिसिंग था, उसमें मिसिंग क्या था, उसमें मिसिंग था यूनिट, उसमें मिसिंग था यूनिट। हमारा मास 50 है तो 50 केजी भी हो सकता है, 50 ग्राम भी हो सकता है, 50 मिलीग्राम भी हो सकता है, 50 डेसीग्राम भी हो सकता है, ठीक है ना,
कॉमन सेंस से तुम बोलोगे हाँ सर आपका मास तो 50 केजी ही होगा, लेकिन मान लो कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हो उसका मास पूछ लिया जाए और तुम 50 बोल के चुप हो गए, ठीक है ना, तो सामने वाला बंदा क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि आपने 50 ग्राम बोला या 50 केजी बोला या फिर 50 डेसीग्राम बोला या 50 मिलीग्राम बोला, वो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हमें फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो सिर्फ हम एक वैल्यू देके चुप नहीं हो सकते, हमें कुछ और बताना पड़ेगा, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मान लो कि हमसे किसी ने पूछा कि आपका मास कितना है और मैं सिंपल बोलूं कि मेरा मास तो केजी, मेरा मास केजी है, फिर से क्या हो जाएगा, वो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा कि आपका मास केजी है, कितना केजी है, 50 केजी है, 60 केजी है, 70 केजी है, 80 केजी है, कितना केजी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है, अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है तो हमें दो चीजें बतानी पड़ेगी। अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है तो हमें दो चीजें बतानी पड़ेगी, पहला हमारा है मैग्नीट्यूड और दूसरा हमारा है यूनिट, ठीक है ना। हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर एक्सप्रेस करना है तो हमें दो चीजें बतानी पड़ेगी, पहला हमारा है मैग्नीट्यूड और दूसरा हमारा है यूनिट, ठीक है ना। ये दोनों चीजों को हम अगर साफ में बताएंगे तभी जाके हमारा जो एक्सप्रेशन होगा वो कंप्लीट होगा, अदरवाइज हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं जब पूछता हूँ कि मास हमारा 50 केजी है तो हमने दो चीज बताया, एक हमने बताया 50 क्या रिप्रेजेंट करता है, 50 रिप्रेजेंट करता है कि हमारे मास का मैग्नीट्यूड कितना, तो मास का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि आपके उस फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना था, ठीक है ना। तो हमारा मास का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना था, 50। लेकिन सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बताने से सामने वाला आदमी कंफ्यूज भी कर सकता है, कि अगर आपने सिंपल बोला कि हमारा मास 50 केजी है तो सामने वाला उसको 50 केजी भी समझ सकता है, 50 ग्राम भी समझ सकता है, ठीक है ना। मतलब सिर्फ 50 बोलने से काम नहीं चलेगा, साथ में और क्या बोलना पड़ेगा, साथ में और चीज बोलना पड़ेगा यूनिट, साथ में और चीज बोलना पड़ेगा यूनिट, ठीक है ना। तो ये पार्ट क्या हुआ, ये बताता है कि हमारे मास का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है जिसको कि हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और दूसरा पार्ट क्या है, यूनिट। जब हम दोनों को इकट्ठे बोलेंगे, मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों को अगर हम इकट्ठे बोलते हैं तो जाके हमारा एक्सप्रेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है, कि हमने बोला कि हमारा मास 50 केजी है, तब जाके हमारा एक्सप्रेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं एस, उसको रिप्रेजेंट करते हैं एस, एन मतलब मैग्नीट्यूड या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो यूनिट वाला पार्ट है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं यूज, उसको रिप्रेजेंट करते हैं यूज। इसका मतलब क्या कि अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है तो हमें एल भी बताना पड़ेगा और साथ ही साथ यू भी बताना पड़ेगा, ठीक है ना। हमें एल भी बताना पड़ेगा और साथ ही साथ यू भी बताना पड़ेगा, तब जाकर हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है ना। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों को ही बताना होता है, तब जाकर हमारा एक्सप्रेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। सिर्फ 50 बोलने से भी कंफ्यूजन होगा, सिर्फ केजी बोलने से भी कंफ्यूजन होगा, इसलिए दोनों को बताना है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, ठीक है। यहां पे नोट कीजिए पहले, तो ये तो हो गया फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें दो चीज का जरूरत होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा मैग्नीट्यूड, या उसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड या फिर यूनिट, ठीक है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों बताएंगे तब जाकर हमारा फिजिकल क्वांटिटी पूरी तरह से एक्सप्रेशन में आएगा। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। अब फिजिकल क्वांटिटी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स, ठीक है ना। मतलब मेनली तीन टाइप होते हैं, मेनली देखा जाए दो टाइप होते हैं, लेकिन एक तीसरा टाइप भी है जिसको कि जनरली हम नहीं पढ़ते हैं लेकिन हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। कहीं कहीं में उसका जरूरत पड़ जाता है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, फर्स्ट वन इज स्केलर, सेकेंड वन इज वेक्टर और तीसरा है रेशियो, तीसरा है रेशियो, ठीक है ना। तो इस यूनिवर्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटी, सेकेंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी एंड थर्ड वन इज रेशियो। किसी भी दो चीज का रेशियो, मेरे वेट और तुम्हारे वेट का रेशियो, ठीक है ना, मेरे मार्क्स और तुम्हारे मार्क्स का रेशियो, ठीक है ना, तो उसको भी फिजिकल क्वांटिटी ही बोलते हैं, ठीक। तो पहले बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, जिनके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है, ठीक है ना। जिनके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है, जैसे कि मास,
अगर मेरे से कोई पूछता है कि आपका मास कितना है, तो मुझे बस ये बताना है कि मेरा मास 50 kg है, ठीक है ना। अगर मेरे से कोई पूछता है कि आपका मास कितना है, तो मुझे सिर्फ ये बताना है कि मेरा मास 50 kg है। मुझे अपने मास का डायरेक्शन नहीं बताना है, क्योंकि मास का तो डायरेक्शन होता ही नहीं, ठीक है ना। मैं बस 50 kg बोल के चुप हो जाऊंगा, एक्सप्रेशन क्लियर, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे से कोई पूछता है कि आपके पास कितना एनर्जी है, मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास 50 जूल एनर्जी है, मेरे पास 100 जूल एनर्जी है, मेरे पास 30 जूल एनर्जी है, ठीक है ना। तो हमें एनर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए किसी भी डायरेक्शन को बताने का जरूरत नहीं होता है। मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ, या आप कभी ये नहीं बोलते हो कि मेरे पास 50 जूल एनर्जी है ईस्ट की तरफ, या फिर मेरे पास 50 जूल एनर्जी है वेस्ट की तरफ, ऐसा नहीं बोलते। हम बस बोलते हैं कि हमारे पास 50 जूल एनर्जी है, ठीक है। या फिर टेम्परेचर, टेम्परेचर भी क्या है, टेम्परेचर भी एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे कि मान लो कि आपको फीवर हो गया और आपसे किसी ने पूछा कि आपको कितना फीवर है, जनरली क्या बोलते हैं कि मेरे को 100 डिग्री सेल्सियस फीवर है, मेरे को 101 डिग्री सेल्सियस फीवर है। हम कभी ऐसा थोड़ा ना बोलते हैं कि मेरे को 100 डिग्री सेल्सियस फीवर है ईस्ट की तरफ, ऐसा नहीं बोलते ना। क्योंकि टेम्परेचर कैसा क्वांटिटी है, टेम्परेचर इज स्केलर क्वांटिटी, उसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हो गया स्केलर क्वांटिटी, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन होता है, उनके पास डायरेक्शन नहीं होता है। दूसरा क्या है, दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। जो वेक्टर नामक क्वांटिटी है ये अलग से चैप्टर ही है, ठीक है ना। जो वेक्टर नामक क्वांटिटी है वो अलग से ही क्लास लेवल का हमारा सेकंड चैप्टर होगा, ठीक है ना। वेक्टर क्वांटिटी के बारे में वहां पे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। वो अलग से एक चैप्टर, मतलब समझ लो कि उस चैप्टर को पढ़ने में कम से कम आपको 10 क्लास लगेगा, तब जाके वेक्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा रफ में समझेंगे, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है ना। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, दोनों में डिफरेंस आपको साफ साफ दिख रहा होगा। स्केलर के पास क्या है, स्केलर के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और वेक्टर के पास क्या है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक है ना। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है फोर्स, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है फोर्स। फोर्स कैसा क्वांटिटी है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप फोर्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, जैसे मैं मास को रिप्रेजेंट कर रहा था, मैंने बस बोला 50 kg मास, दैट्स इट, सामने वाला समझ गया। मास को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मास का डायरेक्शन होता ही है, ठीक है ना। लेकिन जब हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए, साथ ही साथ डायरेक्शन भी चाहिए, ठीक है ना। इसको कैसे समझते हैं, सपोज करो हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है ना, और हमने बोला, और हमारे सामने तीन आदमी खड़े हैं, हमारे पास एक ब्लॉक है, हमारे सामने तीन आदमी खड़े हैं, हमने तीनों आदमी को एक सिंपल सा स्टेटमेंट बोला, इस ब्लॉक पे आप 5 न्यूटन का फोर्स लगाइए, ठीक है ना। हमने तीनों आदमी को सिंपल सा स्टेटमेंट बोला, इस ब्लॉक पे आप 5 न्यूटन का फोर्स लगाइए, तीनों आदमी ने सुना, इस ब्लॉक की सर ने बोला है इस ब्लॉक पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाना है, कितने न्यूटन का फोर्स, 5 न्यूटन का फोर्स लगाना है, ठीक है। पहले आदमी ने क्या किया, पहले आदमी ने लगा दिया 5 न्यूटन का फोर्स राइट की तरफ या फिर ईस्ट की तरफ, दूसरे आदमी ने क्या किया, दूसरे आदमी ने लगा दिया 5 न्यूटन का फोर्स वेस्ट की तरफ, ये दूसरे आदमी ने लगाया, ये पहले आदमी ने लगाया, तीसरे आदमी ने क्या किया, तीसरे आदमी ने लगा दिया 5 न्यूटन का फोर्स ऊपर की तरफ, तीसरे आदमी ने लगा दिया 5 न्यूटन का फोर्स ऊपर की तरफ, ठीक है ना। अगर हम इन तीनों फोर्स को इंडिविजुअल देखें, अलग अलग करके देखें, तो क्या इन तीनों फोर्स का इफेक्ट सेम होगा या फिर अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। पहले आदमी ने अगर फोर्स लगाया है राइट की तरफ, तो ये ब्लॉक राइट की तरफ मूव कर जाएगा, दूसरे आदमी ने फोर्स लगाया है लेफ्ट की तरफ, तो ये ब्लॉक 5 न्यूटन के फोर्स के कारण लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा, तीसरे आदमी ने फोर्स लगाया है 5 न्यूटन का ऊपर की तरफ, तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। मतलब मेरे एक स्टेटमेंट का 3 मीनिंग हो गया, और 10 आदमी होते तो 10 मीनिंग भी हो जाता, कोई ऐसे फोर्स लगा देता, कोई ऐसे फोर्स लगा देता, कोई ऐसे फोर्स लगा देता, सारे फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, दैट इज 5 न्यूटन, लेकिन सबका इफेक्ट क्या होगा, अलग अलग होगा। ये वाला फोर्स उसको नीचे ले जाएगा, ये वाला फोर्स उसको साउथ ईस्ट की तरफ ले जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे एक स्टेटमेंट का अलग अलग मीनिंग हो गया, हमने बस सिंगल स्टेटमेंट बोला कि आपको इस ब्लॉक पे
5 न्यूटन का फोर्स लगाया है और इसका डिफरेंट तरह से अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से उसको इंटरप्रेट किया। इसका मतलब क्या था कि हमने जो स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट क्या था, वो स्टेटमेंट इनकम्प्लीट था या फिर कंफ्यूजिंग था। वो स्टेटमेंट क्या था, वो स्टेटमेंट इनकम्प्लीट था या फिर कंफ्यूजिंग था, ठीक है ना, क्योंकि हमारे एक स्टेटमेंट का हजारों में नहीं हो सकता। तो हमने जो स्टेटमेंट दिया कि इस ब्लॉक पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाइए, उसमें मिसिंग क्या था, उसमें सर क्या चीज मिसिंग था कि लोग अपने आप सोचने लगे हाँ सर ने बोला है कि इसे 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ तो इधर लगा देते हैं, किसी ने सोचा इधर लगा देते हैं, किसी ने सोचा ईस्ट लगा देते हैं, किसी ने सोचा वेस्ट लगा देते हैं, किसी ने सोचा नॉर्थ लगा देते हैं, किसी ने सोचा हम साउथ लगा देते हैं। तो मेरे जो हमने जो स्टेटमेंट किया उसमें मिसिंग क्या था, ऐसा क्या चीज था जिसके ऊपर वो कंफ्यूजन हुआ और लोग अपने तरह से सोचने लग गए, वो पॉइंट था डायरेक्शन, वो पॉइंट था डायरेक्शन। अगर हमने बोला होता कि आप इस ब्लॉक पे फोर्स लगाइए 5 न्यूटन ईस्ट की तरफ, अगर हमने बोला होता आप इस ब्लॉक पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाइए ईस्ट की तरफ तो क्या होता, तो सभी लोग क्या करते, सभी लोग फिर इस तरफ ही फोर्स लगाते, ठीक है ना, सभी लोग क्या करते, चाहे जितने भी लोग हो सब क्या करते हैं, सब राइट की तरफ ही फोर्स लगाते, क्योंकि मेरा ऑर्डर था कि आप इस ब्लॉक पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाइए और वो फोर्स किस तरफ होना चाहिए, ईस्ट की तरफ होना चाहिए। तो ये वाला बंदा ऐसे फोर्स नहीं लगा था, ये वाला ऐसे फोर्स नहीं लगा था, ये वाला ऐसे फोर्स नहीं लगा, सबके सब क्या करते, सबके सब ईस्ट की तरफ ही फोर्स लगा, तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होता। तो हमारा हमने जो स्टेटमेंट दिया था कि इसमें फोर्स लगाइए 5 न्यूटन का, उसमें मिसिंग क्या था, उसमें मिसिंग था डायरेक्शन। हमने मैग्नीट्यूड तो बताया लेकिन हम डायरेक्शन को मिस कर गए, इसीलिए मेरे एक स्टेटमेंट का अलग अलग मीनिंग हो गया। इससे कंक्लूजन क्या निकला कि अगर आप फोर्स को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है ना, अगर आप फोर्स को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा, साथ ही साथ फोर्स का डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। अगर आप फोर्स को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा और साथ ही साथ फोर्स का डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा क्वांटिटी जिसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और साथ ही साथ डायरेक्शन भी चाहिए, उनको क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जब हम मास को रिप्रेजेंट कर रहे थे हमने सिंपल बोला हमारा मास 50 kg है, सब लोग समझ गए। हमने बोला कि मेरा जो टेम्परेचर है वो 100°C है, सब लोग समझ गए, सब लोग समझ गए। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया कंफ्यूजन, यहाँ पर हो गया कंफ्यूजन, क्योंकि हमने क्या मिसिंग किया, हमने मिस किया डायरेक्शन, हमने मिस किया डायरेक्शन। क्लियर, किसी को कोई डाउट, सबको क्लियर है, ठीक है ना। तो कुछ क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का जरूरत होता है और कुछ क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिनको भी रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का ही जरूरत होता है। तो वो क्वांटिटी जिसके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए जैसे मास, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, और जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए उनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। इसका एग्जांपल हो गया लेंथ, टाइम, वर्क एनर्जी, इसका एग्जांपल हो गया डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स, ठीक है ना। तो वेक्टर एक अलग से चैप्टर है, वहां इसके बारे में और अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हमें क्या करना है, फिजिकल क्वांटिटी को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटी, सेकंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी और तीसरा देखते हैं, तीसरा हमारा रेशियो, ठीक है ना, रेशियो। अब रेशियो क्या होता है, अब इसके पास क्या था, इसके पास था मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में क्या क्या आता है इसमें, एक 50 kg मतलब क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी आया और एक यूनिट भी आया, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड में क्या आया, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, अगर मैं बोलूं कि आप बताइए कि आपका मास कितना है, तो मास के लिए वो डायरेक्शन तो बताना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना, कितना बोलेंगे तो हम 50 बोलेंगे और 50 kg बोलेंगे, मतलब हमने न्यूमेरिकल वैल्यू भी बताया साथ ही साथ हमने यूनिट भी बताया, ठीक है ना। लेकिन जब हम रेशियो की बात करते हैं, तो मान लो कि मेरा मास 50 kg, ए का मास है, मैं आदमी ए हूँ, मेरा मास 50 kg, और एक आदमी बी है, उसका मास है 70 kg,
मेरा मास 50 kg और एक आदमी बी है उसका मास कितना है, उसका मास है 70 kg। और अगर मैं तुमसे बोलूं कि ए रेशियो बी निकालिए, अगर मैं तुमसे बोलूं कि ए रेशियो बी निकालिए, फिर ए का मास और बी के मास का रेशियो निकालिए, कैसे निकालते हैं, ए का मास कितना है 50 kg डिवाइड बाय बी का मास कितना है 70 kg, ऐसे तो निकालते हैं रेशियो। रेशियो तो पढ़ चुके हैं क्लास 9-10 में, किसी भी दो चीज का रेशियो निकालना है दोनों को सिंपली हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ए का मास 50 kg, बी का मास 70 kg, हमने क्या किया दोनों का रेशियो निकाला। रेशियो में क्या होगा हमारा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5/7, ये हो जाएगा 5/7। तो रेशियो के पास क्या होता है, रेशियो के पास सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, रेशियो के पास सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। लेकिन कंडीशन क्या है, When a physical quantity is a ratio of two similar quantity, जिस दो quantity का ratio निकाल रहे हैं वो दोनों similar होना चाहिए, ऐसा नहीं कि mass और length का ratio निकाल रहा है, जिस दो quantity का हम ratio निकाल रहे हैं वो दोनों क्या होना चाहिए, वो दोनों same quantity होने चाहिए, उसका magnitude अलग अलग हो सकता है। ये दोनों क्या है, दोनों mass, मतलब दोनों का दोनों physical quantity क्या है, दोनों physical quantity same है, that is mass, लेकिन दोनों का magnitude क्या है, दोनों का magnitude अलग अलग है, पहले का magnitude 50 kg, दूसरे का 70 kg, तो केजी से केजी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है, बचा हमारे पास सिर्फ 5/7, बस हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू बचा, हमारे पास कोई भी यूनिट नहीं बचा, ठीक है ना। जब हम वेक्टर की बात कर रहे थे तो न्यूमेरिकल, जब हम वेक्टर की बात कर रहे थे कैसे कर रहे थे, 5 न्यूटन ईस्ट, इसका मतलब क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू है, यूनिट है डायरेक्शन, वेक्टर के पास क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, यूनिट है डायरेक्शन। जब स्पिरल की बात कर रहे थे सिंपल था 50 kg मास, डायरेक्शन नहीं है लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू है और यूनिट भी है, न्यूमेरिकल वैल्यू है और यूनिट भी है, ठीक है ना। लेकिन जब हम रेशियो की बात करेंगे टू सिंगल फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है ना, जब हम रेशियो की बात करेंगे दो सिंगल फिजिकल क्वांटिटी का, उनके पास क्या होगा, उनके पास सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, क्योंकि जब हम रेशियो निकालेंगे तो यूनिट से यूनिट तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों फिजिकल क्वांटिटी क्या है, दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम, ठीक। तो तीन तरह के हुए, वेक्टर के पास क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट, डायरेक्शन, स्केलर के पास क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट, रेशियो के पास क्या होता है, रेशियो ऑफ टू सिंगल फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, उसके पास कोई भी यूनिट नहीं होगा। एग्जांपल आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा रिलेटिव डेंसिटी के बारे में, ठीक है ना, क्लास 10 में पढ़ा था, क्लास 9 में पढ़ा था वायलेंसी चैप्टर में, ठीक है ना, अब थ्रस्ट वाले चैप्टर में कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, डेंसिटी का यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। मान लो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 500 केजी पर मीटर क्यूब है, ठीक है ना, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब है। अगर इन दोनों का हम रेशियो निकालते हैं तो फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, सबसे पहले क्या कैंसिल होगा, यूनिट से यूनिट कैंसिल, और आंसर आ जाएगा 500/1000, दैट इज 1/2। फिर से यहां क्या है, रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी यूनिट नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्यों, क्योंकि वो दो सिंगुलर फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, क्योंकि वो दो सिंगुलर फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, और यहां पर सिंगुलर फिजिकल क्वांटिटी क्या है, दैट इज डेंसिटी। तो तीन तरह का हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होता है, स्केलर, वेक्टर और रेशियो, क्लियर, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा हाउ आर फिजिकल क्वांटिटीज क्लासिफाइड, ठीक है ना। पहले तो हमने फिजिकल क्वांटिटी को एक क्राइटेरिया से डिवाइड किया था, जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा, इसके पास डायरेक्शन होगा, इसके पास डायरेक्शन नहीं होगा, उस क्राइटेरिया पे हमने उसको डिवाइड किया था। एक और क्राइटेरिया है फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव करने का, ठीक है ना, उस हिसाब से क्या होता है, उस बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट वन इज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड सेकेंड वन इज डिराइव्ड क्वांटिटी। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड सेकेंड वन इज
डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो जैसा कि नाम से लग रहा है, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? बहुत ही बेसिक, जो किसी चीज से नहीं बना है, वो खुद में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। फंडामेंटल बोलते हैं ना कि आपका फंडामेंटल बहुत मजबूत होना चाहिए, ठीक है ना। फंडामेंटल आपका बहुत ही मजबूत होना चाहिए। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? बहुत ही बेसिक, वो किसी चीज से नहीं बना है, वो खुद में है, वो किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता, वो किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट है। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? वो बहुत ही बेसिक है और इंडिपेंडेंट, वो किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइप तो वो हो गया। दूसरा हमारा है डिराइव क्वांटिटी, दूसरा हमारा है डिराइव क्वांटिटी। अब जैसा कि नाम से लगा, डिराइव का मतलब क्या होता है? किसी चीज से उसको डिराइव किया गया, ठीक है ना। डिराइव का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज से उसको डिराइव किया गया, वो किसी चीज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, वो किसी चीज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल क्वांटिटी, जो कि इंडिपेंडेंट है, जो कि बेसिक है, वो किसी भी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना। दूसरा हमारा है डिराइव क्वांटिटी, जिसको कि दूसरे क्वांटिटी से डिराइव किया गया, जिसको कि दूसरे क्वांटिटी से डिराइव किया गया, ठीक है ना। तो ये दोनों हमारा दो टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है, और ये यही हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो फंडामेंटल क्वांटिटी है और जो डिराइव क्वांटिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो डिराइव क्वांटिटी होता है ना, वो हमेशा फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। जो डिराइव क्वांटिटी होता है, वो हमेशा फंडामेंटल क्वांटिटी पे ही डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटी को क्या क्या और डिराइव क्वांटिटी क्या क्या, ठीक है ना। कौन सा क्वांटिटी है जो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है, कौन सा क्वांटिटी है जो कि बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है, और कौन सा क्वांटिटी है जो कि दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल।